जी, आप 2014 से केंद्र में सरकार में हैं पूर्ण बहुमत के साथ, 2017 से आपको मंत्रालय मिला है, आपका ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, टाटा पावर, अडानी पावर, ये सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो हैं। आपके मंत्रालय के तहत भोजपुर जिले में इन सभी कंपनियों को रोजगार के लिए नहीं बुलाया गया। आपने अनुशंसा किया, किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने लेटर पैड पे लिख दिया कि हमारा एक क्षेत्र है वहाँ पे रोजगार के लिए युवा बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, अभी तक 4 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, 5वें चरण के मतदान के लिए सभी दल पूरी जी जान लगा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन जब युवाओं ने रोजगार को लेकर उनसे सवाल किया तो वो घिरते हुए नजर आए। एक युवक ने जब बीजेपी सांसद से पूछा कि आरा के लड़कों को एनटीपीसी में नौकरी क्यों नहीं मिल रही, जिस पर बीजेपी सांसद ने क्या कहा सुनिए। आप 2014 से केंद्र में सरकार में हैं पूर्ण बहुमत के साथ, 2017 से आपको मंत्रालय मिला है, आपका ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, टाटा पावर, अडानी पावर, ये सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो हैं। आपके मंत्रालय के तहत भोजपुर जिले में इन सभी कंपनियों को रोजगार के लिए नहीं बुलाया गया। आपने अनुशंसा किया, किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने लेटर पैड पे लिख दिया कि हमारा एक क्षेत्र है वहाँ पे रोजगार के लिए युवा बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया। तो ये जानकारी होनी चाहिए, कहाँ तक पढ़े लिखे आप? मैं मास्टर किया हूँ और साथ ही पीएचडी कर रहा था। मास्टर किए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनी को बहाली करने का एक नियम होता है और नियम आवश्यक है। नियम आवश्यक इसलिए है क्योंकि उस नौकरी पर सबका अधिकार है, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नौकरी एनटीपीसी सरकारी कंपनी, अब उसमें कोई भी बहाली हो इसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट निकलता है राष्ट्रव्यापी, क्योंकि ये नेशनल कंपनी, तो तमिलनाडु का हो, आसाम का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें फिर मेरिट और रिजर्वेशन के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये हम कहेंगे कि हम मंत्री हैं तो हमारे जिला से सिलेक्शन हो, ये नहीं होता। ये होता है जहां पर कि मुख्य कानून चलता है, यहां पर मुख्य कानून नहीं चलता, यहां पर संविधान है। संविधान में सबको भारत सरकार के नौकरियों पर समान अधिकार है ना, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर बहाली करती है वो भी ये अपने मेरिट के अनुसार, उसमें भी अमूमन करता है ये इंटरव्यू और मार्क्स के आधार, अब वो भी एडवर्टीजमेंट के आधार करता होता है, तो यहां के लिए नौकरी रिजर्व नहीं होती। सर सुनिए ना, नौकरी के लिए नहीं बोल रहा, नौकरी के लिए नहीं, यहाँ फैक्ट्री एनटीपीसी एक भी नहीं है। बाढ़ 2005 बिहार में बाढ़ एनटीपीसी जो है 2005 में स्थापना किया गया, आपके मंत्रालय उधर रहते हुए भी आप खुद एक भी डिस्ट्रिक्ट में। बता दें कि जब बीजेपी सांसद से एक और युवक ने सवाल किया तो बिना जवाब दिए ही चले गए और युवक फटकार लगाते हुए चले गए। आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।